तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है वैभव एंड एक बहुत ही बड़ी बम्पर खुशखबरी लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए मेरे चैनल पे। जो सबसे अभी तक मोस्ट अवेटेड मोमेंट था, फाइनली वो पल आ चुके हैं। फुलेरा से लेकर डेगाना रेलखंड पे पहली इलेक्ट्रिक मालगाड़ी को दौड़ाया गया है। जी हाँ, जो भी सेक्शन इलेक्ट्रिक होता है सबसे पहले वहाँ पे इंस्पेक्शन किए जाते हैं। उसके इलेक्ट्रिफिकेशन को फिट पाने के बाद वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक इंजन चला के ट्रायल किए जाते हैं। उसके बाद मालगाड़ी चला के लोड टेस्टिंग की जाती है और ये सब कार्य सफल होने के बाद फिर पैसेंजर ट्रेनों को इलेक्ट्रिक इंजन दिए जाते हैं। तो इसमें तीन कार्य तो अब तक यहाँ सफल हो चुके हैं। कल मैंने चैनल पर एक वीडियो डाली थी कि कल जो है सुबह जल्दी फुलेरा से डेगाना एक इलेक्ट्रिक इंजन वैग 9, ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये ऐसा ही एक इंजन चलता हुआ फुलेरा से डेगाना पहुंचा था अकेला। और कल रात को ही जो है एक मालगाड़ी फुलेरा से निकलकर और डेगाना होते हुए आगे जोधपुर तक पहुंची है इलेक्ट्रिक इंजन के साथ। तो इलेक्ट्रिक इंजन चला के लोड टेस्टिंग कर ली गई है। कल सुबह से इलेक्ट्रिक इंजन से टेस्टिंग की जा रही थी कुछ ना कुछ। आज सुबह भी एक इलेक्ट्रिक इंजन डेगाना से फुलेरा की साइड गया है। अब पता नहीं वो टेस्टिंग के लिए गया है, उसको चला के देख रहे हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं, या फिर वो भी आगे फुलेरा से एक मालगाड़ी लेके आएगा। पर जो भी है, पहली मालगाड़ी इस सेक्शन पे चल चुकी है इलेक्ट्रिक इंजन के साथ और अब जल्दी जो है हमें पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती हुई भी नज़र आएगी। सवारी गाड़ी हो सकता है मुरदर हो सकता है जोधपुर हावड़ा हो, क्योंकि इन दोनों का ट्रैक्शन अभी जयपुर में चेंज होता है। जयपुर में डीजल हटा के इलेक्ट्रिक लगाया जाता है, तो हो सकता है सबसे पहले इन दोनों को ही जोधपुर तक पूरा इलेक्ट्रिक इंजन पे भेजा जाए। उसके बाद अपनी रणथंभौर एक्सप्रेस, जोधपुर पूरी, बीकानेर पूरी, बीकानेर बिलासपुर और भगत की कोठी मन्नारगुड़ी, ये ऐसी जो गाड़ियां हैं ये सब जल्दी इलेक्ट्रिक इंजन से चलती हुई नजर आएंगी। तो कैसी लगी आपको ये खुशखबर बताना ज़रूर। बाकी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का नोटिस कब आता है मेरे चैनल पे, आपको उस बारे में ज़रूर खबर मिल जाएगी। और हम सबको वेट है इस चीज़ का कि पहली इलेक्ट्रिक सवारी गाड़ी कब चलाई जाती है इस रूट पे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।